Hi friends, welcome to my channel and I'm happy that you all are enjoying my content. My content has slightly been, it has become quite different now than what it was previously. It is much longer because I speak in free flow. Another thing is that keep yourself happy. I was smiling to myself and I said कितना अच्छा प्यारा दिन है ना आज. हम छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, पता है हमें बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए. उठते ही बड़े बड़े सपने होते हैं जिसका ना सर पैर रहता है. सीरियसली व्हेन यू आर इन लव विद योर सेल्फ ना, दैट्स दी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स. अब सुबह सुबह जो पीपल आर प्रैक्टिकली शॉक, हाउ डू आई सेड इट्स बिकॉज एफर्ट्स आर देयर, हार्ड वर्क इज देयर. मुझे ना ऐसे पहले मैं ऐसे रद्दी की तरह जाना मुझे नहीं पसंद है ये चीज़. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू बी एज प्रेजेंटेबल एज पॉसिबल. कैसी लग रही है? कूल ना? और बिंदी गिव्स अ रियल गुड लुक का ये मैंने, मुझे भी ऐसा लगता है हमारा चाहिए है. ना चाहे तुझे चाहत पर मगर कोई जोर नहीं, दिल ही तो है तुम पे आ ही गया, दिल का लगाना कोई हार नहीं. ओ माय गॉड, क्या है ना, हमें ऐसा लगता है कि वी वेस्ट सो मच ऑफ आर लाइव्स, बस पड़े रहते डिब्बे की तरह ऐसे टीवी देख के, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऑल दिस क्रैपी चीज़ें देख के. शिट, बड़ा वेस्ट. और वो इतने डार्क थीम्स रहते हैं कि सर खप जाता है, फिर ऊपर से वो म्यूजिक्स भी इतने रबिश होते हैं. आई प्रिफर माई जो भी है, जो मुझसे झिलता है वो. आजकल मुझे ना लाउड ट्रिगर्ड नॉइजेस, इवन द प्लेस ऑफ वर्शिप में क्या होता है ना, लाउड स्पीकर में ऐसे ऐसे भोप की तरह चिल्लाते रहते ना, तो वो ट्रिगरिंग रह जाता है वो. तो सिर्फ भगवान मुझे माफ़ कर दे, मेरे अंदर उतनी हिम्मत है कि मैं आपकी दर्शन कर लूँ, बाकी मुझे किसी चीज़ से कोई ये नहीं है, लगाव नहीं है. फिर वहाँ पर तुम लोगों को मिलते हो, फिर वो शुरू हो जाता है मॉर्निंग में. क्यों? कीप योर एनर्जी इज़ वेरी कंटेंड, क्लीन. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं मर चुकी हूँ. दैट ओल्ड शांति इज डेड, बस क्रूसीफाइड ना, वॉज जीजस वॉज क्रूसीफाइड एंड द थर्ड डे ही रोज अगेन. तो ऐसे वाला मुझे भी फीलिंग आता है कि भगवान कितने बार ऐसे मर मर के जिंदा हो गए, लेकिन इस बार तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि पुनर्जन्म ही है, क्योंकि सारे लोग जिनको मैं जानती थी मुझे वो अजनबी ही लगते हैं. फिर ये रिश्तेदार चाहते हैं कि तुम इतने वनरेबल कंडीशन में हो कि उनको हाय हेलो करते रहो, ऊपर चढ़ाते रहो, फिर उनसे भीख मांगते रहो या उनकी मदद मांगो. तो ये हमेशा ऐसे पैक ऑफ हाइनाज और वल्चर्स की तरह वेट करते रहते हैं और वो झूठी हमदर्दी दिखाएंगे. मैंने बोला एक्शन में तो कुछ नहीं होगा, बस बातों में रहेगा कुछ तो उनके. फिर वो खुश हो, देखा हमारी ज़रूरत तो पड़ी, पहले तो कैसे एटीट्यूड दिखाती थी. अनुला देखो, पहले से मैं इतनी कुछ खास टच में नहीं थी, इस बार आई वॉज बिकॉज एक इन्विटेशन था और दैट्स द रीज़न मैं मॉम के साइड का था. एंड मेरी मासी का, उसकी एक ही बेटी है, सॉरी सबसे यंगेस्ट मासी है बिकॉज शी इज़ अ टीचर. तो उसने एक ही पैदा, बिकॉज शी गॉट मैरिड ऑल्सो वेरी वेरी लेट, मे बी लेट 30s. एंड शी मस्ट, दिस वन वॉज बॉर्न वेन शी वॉज 41 or 42, इट्स अ फैक्ट राइट. तो मैंने बोला चलो यार, तो इसलिए इट्स दैट वे. और यही तो मैं बोलती हूँ ना, तो पीपल आर लाइक वंडरिंग कि हाउ कम शी इज़ गेटिंग. मैंने बोला ये मेरा कर्म थे, और ऐसा भी नहीं कि आई एम कीपिंग इन टच एंड पीपल वंडर कि मुझे इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है. रिस्पेक्ट से ज़्यादा है वो मिस्ट्री फैक्टर रहता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल एंड इज़ अवेलेबल राइट नाउ. तो वो एक उत्सुकता रहती, क्यूरियोसिटी रहती है, और वो जानने की कोशिश करते हैं, और वो ऑरा में रहने की, कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हैं, बस उतना ही.
ये कितने लोग कितने वेल टू डू दिखने में तो ऐसे वैसे औंगे पोंगे दिखेंगे मेरे रिश्तेदार, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा इनके पास ही रहता है। जो ऐसे फ्लेक्सिंग करते रहते हैं ना, मुझे बोर लगता है कभी कभी यार। यार किसी को दान पुण्य कर दो, तुम्हारा कुछ हो जाएगा सीरियसली। वो नहीं करेंगे बस, बाकी फालतू चीज़ों में पैसे से बर्बाद करेंगे, वेस्ट करेंगे। फील लाइक स्नैचिंग दैट कैश एंड गिविंग इट टू नीडी डेस्परेट पीपल। तो ये सेलिब्रेशंस होते रहेंगे, ये क्या है, तो होते ही रहते हैं बस। आई एम जस्ट, दैट इज़ माई फीलिंग। पैसे वेस्ट, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बट किसी को देने को आए तो इनको मौत आ जाती है, बस 10 बार सुनाएंगे। सो बी जेनरस, बी जेनरस। इफ़ यू कॉन्ट गिव एनी, यूज़ योर रिसोर्सेज वाइजली, इन द सेंस अगर तुम कुछ चीज़ें नहीं दे सकते हो तो तुम अपना वक्त दे दो, अपना ज्ञान दे दो, स्टैंड अप फॉर द राइट थिंग। आई सी किसी के साथ बुरा होता है, आई विल नॉट इंटरवीन, मैं आई विल नॉट, कूद नहीं जाऊँगी, बट वेर आई हैव टू स्पीक दिस ट्रूथ और स्पीक सम सेंस, आई विल स्पीक। पीपल डोंट वॉन्ट, पीपल ओन नो मस्का मारे मार के पैंडरिंग करके, नहीं भाई सेफर साइड, वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी बडीज मैस, वी डोंट वॉन्ट टू डर्टी आवर हैंड्स। मैंने बोला दुनिया भर का कांड करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, फिर ऐसा करेंगे। सो स्टैंड अप, वेर यू हैव टू स्टैंड अप। हर जगह लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है ना, पीपल विल पाउंस ऑन यू, बट यू स्पीक द स्पीक फैक्ट। तो मेरा जो है ना रामबाण की तरह लग ही जाता है लोगों को, मतलब एक तो आई एम नॉट हाईली अवेलेबल, एंड सेकेंडली आई एम नॉट इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस एंड फिजिकली ऑल ओवर द प्लेस। सो मेरी जो बातें होती ना लोगों को यहाँ यहाँ लग जाती है और मेरे एक्शंस भी। तो कीप योर सेल्फ कूल एंड काम एंड जस्ट बी हैप्पी विद योर सेल्फ, दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।